प्रणाम, मैं हूँ आप लोगों की चहेती कल्याणी से विक्की बबुआ। और कल्याणी सिंह, और इनको आप सब जानते ही होंगे, विक्की बबुआ। और इन्होंने मुझे आज बुलाया सेट पे 3 दिन की मुशक्कत के बाद। तो आपको बिना माइक आज के लिए मैं बॉलीवुड एंटरटेनमेंट की वो एंकर। अच्छा। तो सपोज ये माइक है, तो आपको कैसा लगा और क्यों मुझे बुलाया और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो नमस्ते प्रणाम, और बॉजीवुड देखने वाले सभी श्रोता जो भी देखते हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये
महेश बाबा की को-होस्ट है जो कि आज मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, और बड़ी मशक्कत के बाद इनसे मुलाकात हुई हमारी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग सारे का हम भोजपुरी का वीडियो शूट कर रहे हैं, ये फाइनली मेरे लिए यस इनके लिए। और यार इनकी ये जो चुलबुली वाली हरकतें हैं ना, डर लग रहा है कहीं इनसे प्यार ना हो जाए। ओके हाँ, तो मैं आपसे एक खास बात बताना चाहूंगी जो बहुत प्यारी सी बात है, लाइट रहती तो बहुत प्यारी सी बात है वो, ये कि कोई नहीं वो बीप में कट जाएगा, बीप बीप बीप। हाँ, तो वो बहुत प्यारी सी बात है। एक्चुअली हुआ क्या था हमारे कन्वर्सेशन में, आप लोगों को पता मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ पता तो है नहीं किसी के बारे में, मैं लोगों से पूछती हूँ कि कौन क्या है, तो इनको शायद कहीं से बहुत बुरा लग गया। मैंने क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्टर सर से कि मैं नहीं जानती, कोई गाने का लिंक भेजिए सो दैट हाइट वाइट और वो चीजें मैच, क्योंकि मैं पता है कि हर किसी के पास मुझे अफोर्ड नहीं किया जा सकता, इन्होंने भी बोला आई एम टू कॉस्टली, तो मेरे को इनको थोड़ा सा बुरा लग गया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि डायरेक्टर सर को कि उसका लिंक मंगवाओ, तो मैंने भी भेज दिया, छटता जवानी तिल छटता ए राजा, अभी मैंने भेजा, मैं इनका इतना काफी है और भेजू। मैं आपको बता दूं कि मैं इनको देखा था, मैं अपने बड़े भैया खेसारी भैया जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, उनके साथ इनका गाना देखा था, देन मैं पलंगिया हाला करेला, हाँ, देन मैंने ये डिसाइड किया था कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो डेफिनेटली इस लड़की को बुलाता हूँ और बुला के काम करता हूँ, और सो आज हम साथ में काम कर रहे हैं। yes. और मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा तो नखरा इनका झेलना पड़ा। नहीं 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 ऐसा नहीं है, नखरा लिंक भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए, बहुत सारा नखरा इनका थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, खूबसूरत लड़कियों की नखरे भी बड़े प्यारे होते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा पूछना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं जानती, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब मैं जान गई और मुझे लोगों ने बताया, और मुझे महेश जी ने सबसे पहले बोला कि अरे आप उनके पास जा रही है तो बहुत मतलब फेमस है वो, ऐसे करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। महेश बाबा को दिल से धन्यवाद, महेश बाबा हमारी टीम के बहुत ही जुझारू और हमारे टीम के बजरंग बली हैं, और महेश बाबा हमारे लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, और हमारी एक छोटी सी टीम है जिसको हम लोग खेसारी टीम बोलते हैं, और उस टीम का एक छोटा सा मैं भी हिस्सा हूँ, बाबा भी उस टीम के एक हिस्सा है, और आप भी उस टीम के बहुत ही प्यारी खूबसूरत हिस्सा है। मैं लाइव हुई हूँ उनकी। हाँ, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पूरी टीम अपना साथ मिलके काम कर रहे हैं, और माइक भूल गए थे जी, और हाँ कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा माइक पे, जी हाँ कैमरामैन फोकस कीजिएगा, एक न्यूज वाले ऐसे ही चलाते हैं, फोकस कीजिएगा जरा इस पे। तो ये गाना कब आ रहा है, तो हम कर रहे हैं ये गाना इस वीक में एक गाना रिलीज हो जाएगा, और मुझे लगता है कि एक से दो वीक में सारे गाने रिलीज हो जाएंगे, तीन गाने जा रहे हैं सारे गामा हम भोजपुरी के, और अल्टीमेट गाने जा रहे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मैं उसमें मुस्लिम के कैरेक्टर में हूँ, फीमेल, मैं भी, हाँ मतलब ये भी, और एक मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत क्यूट सा लव स्टोरी है, कॉमेडी है, और एक और चीज देखने को मिलेगी जो मैंने कभी नहीं किया किसी के लिए, तो मैं बता दूं क्या, हाँ मैंने इनको गाल पे किस किया है, किस किया मैंने गाने के अकॉर्डिंग, ऐसा वहाँ पे डिमांड था, थीम था वो, थीम था थोड़ा सा, एक लाइन नहीं अभी ये देखिए इस दुनिया में सबसे पंगा लीजिए हम भोजपुरी से नहीं, तुरंत स्ट्राइक लग जाएगा वो जी, उड़ चलते दे निकल गई। दिल से आभार व्यक्त करूंगा हम भोजपुरी की पूरी टीम को और बद्री भैया को कि वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिए, उन्होंने मुझ पे विश्वास किया कि लो बेटा तुम काम करो, और भैया को लव यू, थैंक यू भैया, और मैं पूरी शिद्दत से जब तक रहूंगा दिल से ऐसे ही मेहनत करते रहूंगा। हाँ, और बद्री सर से मेरी बस एक दो बार फोन पे ही बात हुई है, तो बद्री मैं मीट करवाता हूँ ना आपको, बहुत जल्दी मिलवाता हूँ आपसे, मैं उनपे ऐसे ही फ्लर्ट कर रही हूँ, बद्री सर आई लव यू बोलने जा रही, भैया ये फ्लर्ट कर रही है सर, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको मेरा काम अच्छा लगेगा और आप मुझे बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि बद्री भैया कलाकारों के लिए जीते मरते हैं और सभी कलाकारों को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, और बहुत बहुत ही मतलब हेल्पफुल पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके काम को मतलब मना करेंगे, क्योंकि भाई साहब भाई लोग, और एक बात बता दूं
ये जितनी चुलबुली एंकर है ना उससे कई गुना हाँ, उससे कई गुना ज्यादा चुलबुली एक्ट्रेस है और इनके साथ काम करके बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। पहली बार किसी आर्टिस्ट के साथ काम करो तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन ये बंदी आई और आते आते इसने शुरू में ही बोला हेलो सर हाउ आर यू, देन अच्छा लगा कि चलो यार खुली हुई है और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो अब इसी के साथ हम मैं कल्याणी सिंह भोजवुड एंटरटेनमेंट की पार्ट टाइम एंकर मैं अब हम बहुत मच्छर आ रहा है एक्चुअली इसलिए हम जा रहे नहीं तो और बकवास करते हैं यहाँ पे बहुत मच्छर आ रहा है यहाँ पे तो हम रखते हैं। टाटा नमस्कार प्रणाम और बहुत सारा प्यार दीजिए हम भोजपुरी से, जो भी गाने आ रहे हैं प्लीज 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 इस पे रील बनाइए और बहुत सारा प्यार और टैग कीजिए, हम टैग एक्सेप्ट करेंगे करेंगे। Right.